जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं ओजोन थेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हम मुख्तलिफ मौजूदात पर बात करते रहते हैं। मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मेरा बहुत सारा काम भी है, वो पेन मैनेजमेंट है। और हमने बहुत सारी दर्दों के बारे में बात की, हमने कमर के दर्द के बारे में बात की, हमने घुटनों के दर्द के बारे में बात की, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, बार बार भी करते रहेंगे। आज हमने कंधे के दर्द के बारे में बात करनी है। अक्सर हमारे दोस्त हैं जिनके कंधे दर्द करते हैं और उनसे वो बाजू हिलता नहीं है, बाजू में ताकत नहीं रहती, बाजू में वजन उठाना मुश्किल हो जाता है और बाजू का तो कपड़े पहनने मुश्किल हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर ये 60 साल से उम्र के लोगों में और स्पेशली फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में होता यह है कि आपका जो बाजू एक एंगल से ऊपर उठाया नहीं जाएगा। उसके लिए हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो एनेस्थीजिया के अंदर जाके उसको मनूवर करते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर स्टीरॉयड लगाते हैं। इन हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी है, स्टीरॉयड का नुकसान भी है, बेहोश करने का नुकसान भी है। लेकिन हमारे पास ओजोन थेरेपी में ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद है जिसमें हम छोटे से इंजेक्शन से, एक दो जगह पर इंजेक्शन लगाने से वो दर्द बहुत बेहतर हो जाती है और ख़ासतौर पर वो जो इंजरी है कंधे के अंदर वो ठीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ओजोन की एक दो तोहफा ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है और जिसके रिजल्ट्स सारी दुनिया में बहुत ही अच्छे हैं। तो आप कंधे के दर्द के लिए एक दफ़ा ओजोन थेरेपी को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। शुक्रिया बहुत।